विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करति बरी भर्ति संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोमि हम अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम् फिजिक्स पश्यामः। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि एचएससी एग्जाम के लिए मैंने एक टर्मिनोलॉजी बनाई है FFR, फास्ट फॉर्मूला रिवीजन। तो एचएससी एग्जाम में आपके 20 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर का कुछ निचोड़ करके, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट करके बहुत ही कम टाइम में वो चैप्टर को पूरा कैसे जाना जाए, सारे फॉर्मूला कैसे याद किए जाए, उसके लिए हमने FFR सेशन बनाया है। सो दिस इज द फर्स्ट FFR सेशन। और वो FFR सेशन क्या है? फास्ट फॉर्मूला रिवीजन, विच इज सर्कुलर मोशन, फर्स्ट चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। So the definition of circular motion, the motion of particle along the circumference of circle is known as circular motion. अभी ये motion दो प्रकार का हो सकता है, uniform circular motion, non-uniform circular motion. Uniform circular motion हुआ तो speed constant होगी, और non-uniform circular motion हुआ तो speed variable होगी. अभी स्पीड चाहे कांस्टेंट हो के वेरिएबल हो, वेलोसिटी दोनों केस में वेरी करेगी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में होता है टेंजेंशियल टू द सर्कल। कोई भी पॉइंट ले, उसको टेंजेंट ड्रॉ करे, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। और वो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम। और वो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो होगा यूसीएम। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी सर्कुलर मोशन में, स्पीड कांस्टेंट या तो वेरी करेगा। फाइन, सो कुछ टर्म है, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसके डेफिनेशन, फिर उसका डायरेक्शन, फिर उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेडियस वेक्टर। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज रेडियस वेक्टर। उसका डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर। उसका एसआई यूनिट होता है मीटर, और उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है L1, M0, T0, that's it. Now let's move to the second one, angular displacement. Angular displacement होता है angle described by radius vector when particle moves from one position to another position. तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जाएगा तो बीच में जो एंगल डिस्क्राइब हुआ है उसे कहेंगे angular displacement. So what is definition of angular displacement? Angle described by a radius vector at the center of a circle when particle moves from one position to another position, उसे क्या कहेंगे? Angular displacement. उसका direction होता है right hand thumb rule, anti-clockwise ऊपर और clockwise नीचे। मतलब कोई भी चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है तो वो ऊपर जाएगी। अगर हेलीकॉप्टर है, उसकी ब्लेड ना एंटी क्लॉकवाइज मूव होती है, इसलिए वो ऊपर जाता है। और अगर कोई भी बॉडी, अगर पंखा है, सारी हवा नीचे आ रही है ना, हमें फील हो रहा है, तो पंखा ऐसे घूमता है, इसलिए हवा नीचे आ रही है। सो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, क्लॉकवाइज नीचे। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सो नाउ वी हैव सम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अ सर्कल, के थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एंड ओमेगा होता है 2 pi by capital T, where capital T is a time period, the time required to perform one revolution is known as time period, और उसको 2 pi F भी लिख सकते हैं, where F is the frequency, RPS होगा तो revolution per second, और RPM होगा तो revolution per minute, ठीक है। तो revolution per minute में अगर दिया है तो उसको revolution per second में हमें convert करना होगा। These are some basic formulae, के rate of change of angular displacement is angular velocity, the rate of change of angular velocity is angular acceleration. So theta 2 minus theta 1 upon t 2 minus t 1, वो भी हो सकता है angular velocity, or omega 2 minus omega 1 upon t 2 minus t 1, वो होता है alpha. Alpha का ऐसा unit होता है radian per second square, omega का ऐसा unit होता है radian per second, दोनों vector होते हैं, direction is given by right hand thumb rule. Now the centripetal acceleration, the necessary acceleration, उसके बिना circular motion possible नहीं है. और centripetal acceleration का direction होता है along the रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। याद करो, रेडियस वेक्टर क्या था? अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर वी ओमेगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एम इनटू ए, मतलब मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच विल गिव अस सेंट्रिपिटल फोर्स, व्हिच इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एम वी ओमेगा। सो दिस वी गॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है। और अगर टोटल एक्सेलरेशन चाहिए तो वेक्टर एडिशन करेंगे, सो ए सी आई कैप
प्लस ए टी जे कैप और ये रिजल्ट आएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ लेट्स मूव टू द अनबैंक्ड रोड कि अगर टर्न लेना है, हमारे पास गाड़ी है और ऐसा एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है और उसको अगर टर्न लेना है, सो फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी इज इक्वल टू 100 ऑफ म्यू आर जी, वेयर म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल में 0.7, 0.5 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। देन इसको इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसे बैंक करते हैं। सो बैंकिंग ऑफ रोड इज द इंक्लिनेशन ऑफ आउटर सर्फेस अबाउ द इनर सर्फेस, जैसे ये प्यारे से डायग्राम में बताया है कि दिस इज द आउटर सर्फेस, दिस इज द इनर सर्फेस एंड इंक्लिनेशन इज नोन एज बैंकिंग। इंक्लिनेशन ऑफ आउटर अबाउट द इनर इज नोन एज बैंकिंग, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो पहले अगर सादा ऐसा टर्न ले रहा था हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो भी इंक्लाइंड पे टर्न लेगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका साइन कॉम्पोनेंट भी हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स अलॉन्ग विद द फ्रिक्शन, एंड आफ्टर डेरिवेशन वी गेट द फॉर्मूला वी इज इक्वल्स टू 100 ऑफ आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू 10 थीटा। आप बोलेंगे सर यहां पर म्यू था, यहां पर तकलीफ थी, तो यहां पर भी म्यू है, यहां पर भी तकलीफ है, म्यू को जीरो रखो। तो म्यू को जीरो रखेंगे बाद ऑप्टिमम स्पीड मिलती है v इज इक्वल टू 100 ऑफ आर जी 10 थीटा। ऑप्टिमम स्पीड इज अ स्पीड एट विच फ्रिक्शन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी 10 थीटा, डिवाइड करो तो 10 थीटा मिलेगा, v स्क्वायर बाय आर जी। जो कोनिकल पेंडुलम में भी वो यूज होता है। सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम, आगे पीछे, लेकिन कोनिकल पेंडुलम पूरा कोन बनाएगा, बेस में रेडियस r है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, वर्टिकल हाइट h है, और उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई √ ऑफ l cos थीटा / g, 2 पाई √ ऑफ r / g tan थीटा एंड 2 पाई √ ऑफ h / g। एंड ये सारा डायग्राम है, आपने 2 साल पढ़ाई की है, आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द रिवीजन। सो बहुत ही अच्छे से पेपर लिखिए, एकदम स्टेबल माइंड से पेपर लिखिए, इट विल बी ग्रेट फॉर यू, और आउटपुट क्या होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो ऐसे ही मजा करते रहे, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अभी पूरा नहीं हुआ है, FFR का दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, यानी ग्रेविटेशन। सी यू देयर।